हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, जिसमें बस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन्स होंगी। बेंजीन से रिलेटेड है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पे कितनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो सकती हैं, पॉसिबल पॉसिबिलिटीज रिएक्शंस किस पे, क्लोरोबेंजीन पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करते हुए आपको मैं दिखाऊंगा क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि क्लोरोबेंजीन किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से क्लोरोबेंजीन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आपका होता है क्या, बेंजीन के ऊपर सीएल, बेंजीन के ऊपर सीएल, क्या जी, बेंजीन के ऊपर सीएल होता है। अब आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी उसकी एक है, इसलिए उसने बॉन्ड बना रखे हैं एक, लेकिन उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी हैं, 6 का अगर आप पेयर बनाएंगे तो 3 होंगे, तो उन्हीं 3 को बोला जाता है क्या, लोन पेयर, क्या जी, लोन पेयर। क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, और टारगेट करूंगा मैं इस कार्बन के साथ इस क्लोरीन, ये कार्बन और इस क्लोरीन को। क्लियर? देखिए, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा, रेजोनेटिंग, बेसिकली रेजोनेंस होता क्या है, शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कंपाउंड द कॉल्ड प्रोसेस रेजोनेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पे, तो यहां पे चार्ज होगा नेगेटिव, यहां पे चार्ज आ जाएगा जी पॉजिटिव, चार्ज आ जाएगा यहां पे पॉजिटिव। अब क्लोरीन का एक लोन पेयर, क्लोरीन का एक लोन पेयर इस कार्बन से, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि सीएल और सी के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी है, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो उनके बीच में सीएल, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, देखिए ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहां पर चार्ज आ गया नेगेटिव, इस क्लोरीन पे 3 लोन पेयर थे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, यहां पे एक और बॉन्ड बना देंगे जो होगा डबल बॉन्ड इस कार्बन और सील के बीच में, इसका एक लोन पेयर यूज हो चुका है, तो अब इस पे कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर, कितने, 2 लोन पेयर। तो ये आपका इससे बाद वाला, इसके बाद वाला ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगा, जब ये बॉन्ड डबल वाला टूट के इधर जाएगा, मतलब इधर नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, यहां पे ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है, ये वाला, इसका मतलब होता है कि रेजोनेंस हो रहा है इनके बीच में, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। अब यहां पे ऊपर यहां पे तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ही अभी, और यहां पे कितने लोन पेयर है, क्लोरीन पे 2 लोन पेयर है, यहां पे हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो यहां पे हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे डबल बॉन्ड पहले से ही है। फिर अब क्या होगा, इसके बाद वाला, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड में, यहां होगा नेगेटिव, यहां हो जाएगा पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, रेजोनेंस घूम रहा है जी, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए इस कार्बन पे, तो यहां पॉजिटिव आ गया नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना गए, यहां पे आ गया आपका चार्ज नेगेटिव, यहां पे सीएल है, इस पे डबल बॉन्ड है, यहां पे एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। क्लियर? अब इसके नीचे यहां पे अब नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि सीएल और सी, सीएल और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो टूटेगा तो सीएल उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, रीजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, प्रोसेस या फिनोमिनन नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, सीएल पे, तो यहां पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लेगा, तो यहां पे 2 लोन पेयर तो पहले ही है, एक लोन पेयर और आ जाएगा, जो तीसरा लोन पेयर हमने वहां से लिया था। क्लियर? और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, यहां पे आपका फिर से डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है ही, यहां पे डबल बॉन्ड है ही, अब यहां पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए,
तो यहां पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड बन गया। और क्लोरीन, अब पहले यहां पे क्या था, डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया, तीन लोन पेयर फिर से हो गए। स्टार्टिंग वाले से अब यहां पे देखिए, स्टार्टिंग में जो आपके ये डबल बॉन्ड थे और लास्ट वाले में डबल बॉन्ड बिल्कुल रोटेट कर गए, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। शिफ्टिंग हो गई किसकी, पाए बॉन्ड्स की या पाए इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो गई, वहां के कंपैरिजन में इसमें क्या हो गई, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए। अच्छा एक और चीज यहां पे आप देख रहे हैं, इसको मैं ले लेता हूं स्ट्रक्चर ए बी सी डी और ये हो गया ई, ई वाला स्ट्रक्चर आपका। आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है बी सी और डी में, देखिए बी सी और डी में नेगेटिव चार्ज जो है इस वाले बी वाले में कौन सी पोजीशन पे है आपका, ऑर्थो पोजीशन, ये वाली इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन है ऑर्थो। ये देखिए ये सीएल लगा हुआ है, सीएल के रेस्पेक्ट में, सीएल के रेस्पेक्ट में इसकी एडजेसेंट वाली ये वाली और ये वाली पोजीशंस होती है कौन सी, ऑर्थो। ये वाली भी कौन सी होती है जी, ऑर्थो। सीएल के बगल वाली पोजीशन होती है आपकी मेटा, कौन सी जी, मेटा। ये भी मेटा, ये भी मेटा, क्योंकि इसके बगल का बगल वाला ये, इसके बगल का बगल वाला है। और क्लोरीन के मतलब इस कार्बन, इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में सीधी वाली, बिल्कुल इसका नाम होता है पैरा। अब आप देखेंगे बी सी और डी में पैरा पे आपका नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसमें कहां दिख रहा है, पैरा, इसमें सॉरी ऑर्थो पे, यहां पैरा पे, यहां पे फिर से आपका ऑर्थो पे, यहां पे ऑर्थो पे है, यहां पे कहां है जी, पैरा पे, यहां पे फिर से है आपका ऑर्थो पे। याद रखिएगा बी सी और डी, बी सी डी आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी कहां पाई जा रही है, ऑर्थो और पैरा पे, दो पोजीशन में ऑर्थो पे है, एक पोजीशन पे है पैरा पे। तो मतलब कहने का हुआ अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो अटैक कहां करेगा, ऑर्थो या पैरा पे, मेटा पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पे भी चार्ज ही नहीं है, देखिए ना इस कंपाउंड में है, ना इस कंपाउंड में, ना इस कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में मेटा पे कोई चार्ज ही नहीं है, और ऑर्थो पे है तो नेगेटिव, तो अटैक उस पे कौन करेगा, पॉजिटिव, कौन करेगा, पॉजिटिव। वही रिएक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोबेंजीन का। एक और चीज है आप देख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन इस वाले में, इन देखिए बीसीडी, बीसीडी में देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। मतलब कहने का है कि जो क्लोरोबेंजीन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बी सी और डी स्ट्रक्चर में क्या है जी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो इस जगह पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है, लेकिन यहां पे नहीं है और इस वाले पे भी नहीं है। मतलब इसके पांच स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें तीन पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है आपको, लेकिन दो पे नहीं दिख रहा, इसलिए इसको बोला जा रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या कहा जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको याद रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन में आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बी सी और डी स्ट्रक्चर में, और साथ साथ में अगर आप उसको देखोगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां होती है, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। इसको लिख लीजिएगा, क्लियर, ऑर्थो और पैरा पे यहां पे लिखा हुआ है, देखिए वैसे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। इसको लिख लीजिएगा, क्लियर। बढ़ते हैं इसकी अब असली वाली केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए पहला है आपका डॉस प्रोसेस, पहला है आपका डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसको आप रिएक्ट कराते हो किससे, एक्वस KOH से। ये एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस KOH। अब एक्वस मतलब बहुत सारा पानी, एक्सेस ऑफ वाटर होता है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो बेस है, बेस में अगर आप पानी डालेंगे तो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, इसमें हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे होगा नेगेटिव, क्लियर। अच्छा यहां पे नेगेटिव, यहां ये पॉजिटिव, क्या ये जो डबल बॉन्ड है इसके, क्योंकि आपको पता है इसके रेजोनेंस होता है क्लोरोबेंजीन के अंदर, सी और सीएल के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये जो बॉन्ड है ये इजिली टूट जाएगा, नहीं इजली नहीं टूटता, यहां पे आपको डालना पड़ेगा क्या, हीट, तभी यहां पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस उसको वो तोड़ देगा, क्लियर। हीट मैंडेटरी है इसके अंदर, हीट इज मैंडेटरी, यहां पे हीट इज मैंडेटरी, अगर आप हीट नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन होगी नहीं, और ये सेम रिएक्शन है बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली। अब यहां पे क्या होगा, हीट डालेंगे, ये इसको तोड़ देगा, Cl जो है नेगेटिव है, K के साथ निकल जाएगा KCl, और जो OH है वहां लग जाएगा कहां पे, C पे। ये बन गया आपका बेंजीन के ऊपर OH इज कॉल्ड व्हाट, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH क्या कहलाता है, फिनॉल। अच्छा ये क्वेश्चन उठता है इसमें देखिए, जैसे सपोज CH3Cl है, यहां पे बेंजीन के ऊपर Cl है, यहां डाला मैंने एक्वस KOH, एक्वस KOH, इसमें भी डाला एक्वस KOH, एक्वस KOH, इसमें मुझे हीट डालना पड़ रहा है, इसमें विदाउट हीट हो जा रहा है। रीजन, क्योंकि यहां पे इसमें क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है जी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से, इसलिए यहां पे क्या डाला जा रहा है, हीट। क्लियर? और ये तो बिल इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें नो रेजोनेंस, रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं है, नीचे वाले में रेजोनेंस है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, चेंज कर दो चार्जेस, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ निकल जाएगा KCl, और ये नेगेटिव उस पॉजिटिव के साथ, तो CH3OH। तो आपने देख ली रिएक्शन सारी की सारी, इसमें क्या आपका वही बन गया, देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन ये बॉन्ड टूटा, ये किसकी वजह से टूटा, ये टूटा हीट की वजह से। क्यों? क्योंकि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आपको हीट डालनी पड़ेगी, और नीचे वाली रिएक्शन ही क्या है आपकी, डॉस प्रोसेस। क्या है, डॉस प्रोसेस, देखिए लिखा हुआ है डॉस प्रोसेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हेन हैलोएरीन जो क्या है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एक्वस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, हीट, फॉर्म क्या फॉर्म करता है वो, फिनॉल। क्या फॉर्म कर रहा है, फिनॉल, वो दिख गया आपको, यहां पे बना देता हूं, फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH इज फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH इज क्या बेटा, फिनॉल, और ये KCl आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऊपर वाला जो है ये तो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन बहुत इजीली रिएक्ट कर जा रहा है, लेकिन हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत स्लोली प्रोसीड करता है। रीजन, क्योंकि इसके बीच में क्लोरोबेंजीन में होता है क्या आपका, रेजोनेंस, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, व्हाई हैलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीजन बिहाइंड दिस, ये रहा। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपकी फिटिग रिएक्शन, नेक्स्ट है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन बिल्कुल आपकी कैसी है, वुड्स रिएक्शन जैसी होती है, जो आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ा है, बिल्कुल हेलो एल्केन्स जैसा ही होता है। देखिए सपोज आपके पास है क्लोरोबेंजीन, वुड्स में रिएजेंट डलता है भाई क्या, 2Na ड्राई इथर, 2Na ड्राई इथर, इसको कितने मोल डालेंगे, 2 मोल। यहां पे 2 Cl है, 2 बेंजीन है, 2 Cl 2Na के साथ निकल जाते हैं 2NaCl, और ये 2 बेंजीन है जो वो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, दोनों बेंजीन को एक दूसरे में जोड़ दीजिए, ये ले जोड़ दिया मैंने, ये आपका बन गया प्रोडक्ट किसका, फिटिक का, इसे बोलते हैं डायफिनाइल या फिर बायफिनाइल, दिस इज डायफिनाइल या फिर इसका नाम है क्या, बायफिनाइल, दोनों नाम इसके प्रसिद्ध हैं, दोनों पॉपुलर नाम है। क्लियर? इसको और एक और तरीके से मैं दिखा सकता हूं, देखिए शॉर्ट में देखना है तो सपोज ये Cl है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहां पे मैंने डाल दिया, ये छोटा पड़ रहा है स्पेस, यहां देखिए ये Cl है, ये बेंजीन है, यहां डाल दिया 2Na प्लस Cl, फिर यहां पे हो गया क्या, बेंजीन, ड्राई इथर तो डलेगा ही, ड्राई इथर, ड्राई इथर, ये जो है आपका 2, ये 2Na 1Cl 2Cl, तो 2NaCl निकल गया, और ये वाला बेंजीन और ये वाला बेंजीन जुड़ जाएगा, जो क्या बन गया आपका, डायफिनाइल या बायफिनाइल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिटिक रिएक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन हैलोएरीन्स रिएक्ट विद 2Na ड्राई ईथर फॉर्म्स बायफिनाइल एंड सोडियम हैलाइड, जो सोडियम हैलाइड क्या है, सोडियम हैलाइड मतलब यहां पे जो Cl बना है, ये NaCl भी हो सकता है, NaBr भी हो सकता है,
वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर क्या लगा। मैंने यहाँ Cl लगाया तो यहाँ पे हमारा बन रहा है क्या NaCl। अगर मैं वहां बेंजीन के ऊपर Br लगाता तो बनता मेरा NaBr। क्या बनता है NaBr। इसलिए मैंने यहाँ पे हैलोजन को मेंशन नहीं किया, लेकिन वो क्या होगा आपका साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट जो हमारे यूज के कुछ होते नहीं है, उसमें काफी सारी इंप्योरिटीज होती है, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन कंटेंट है, विच इज बायफिनाइल या फिर डायफिनाइल, ये है आपकी फिटिक रिएक्शन। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे, नाम है उसका क्या, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसके अंदर वुड्स और फिटिक दोनों के कंपाउंड बनेंगे, रिएजेंट वही होगा जो फिटिक में था जो वुड्स में था। देखिए मैं से ये वुड्स फिटिक है तो सबसे पहले क्या करता हूं, वुड्स का रिएजेंट लेता हूं। सपोज ले लिया CH3Cl प्लस, इसमें डाल दिया मैंने क्या, अब फिटिक का रिएजेंट क्या होता है जी, फिटिक का बेंजीन के ऊपर Cl। रिएजेंट दोनों के लिए सेम ही है, 2Na ट्राइथर, 2Na ड्राइथर, क्या है 2Na ड्राइथर। अब ये दो Na है, एक Cl दो Cl, दोनों निकल गए भाई, दो NaCl प्लस। अब ये वाला जो कार्बन का कंपाउंड है और ये वाला जो कार्बन का कंपाउंड है, ये जाके यहां पे लग जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया जी, CH3। बेंजीन के ऊपर CH3, नाम होता है इसका टोलुइन। क्या है जी, टोलुइन। क्या है, टोलुइन। अच्छा इसमें ना आप कार्बन को वेरी करा सकते हैं, जैसे यहां पे तो मैंने एक कार्बन लिया, देखिए सपोज लिया CH3 CH2 Br ले लेते हैं, फिर ले लिया Br अब बेंजीन के ऊपर, यहां डाला फिर से हमने 2Na ड्राई इथर, 2Na ड्राई इथर, आपको दिख रहा है 2Na एक Br और ये दूसरा Br, क्या निकल गया जी 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, 2 मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड निकल गए। अब ये जो है आपका CH2, CH2 जाके इस कार्बन, किस कार्बन पे लग जाएगा, और CH3 तो साथ में है ही, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर CH2 CH3। अगर इसका नाम करना चाहेंगे तो नाम होगा 1 2, तो पहले पे लगा है आपका बेंजीन तो नाम हो जाएगा 1 फिनाइल इथेन, 1 फिनाइल इथेन, 1 फिनाइल इथेन इसका नाम हो जाएगा, 1 फिनाइल इथेन, 1 फिनाइल इथेन। तो ये है आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन हेलो एरीन्स रिएक्ट विद हेलो एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na ड्राइथर देन फॉर्म्स थ्री पॉसिबल प्रोडक्ट। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका यही है, क्योंकि हम बना रहे हैं आपका वुड्स फिटिक का। अगर इसको मान ले हम कि ये भाई पहला वाला है तो दूसरा क्या होगा, इसका मोल, क्योंकि हमने क्या करा, इसका मोल इससे रिएक्ट करा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसका मोल इसी से रिएक्ट कर जाए, तो हमारा बी वाला क्या बन जाएगा, CH3 के साथ CH3 लग गया। फिर सी क्या बन सकता है हमारा, इसका मोल इसी से रिएक्ट कर जाए, क्योंकि रिएजेंट तो सेम ही है, तो हमारा बन जाएगा बेंजीन पे बेंजीन दोबारा से लग जाएगा, जो क्या होगा हमारा डायफिनाइल या बायफिनाइल। लेकिन इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या यहां पे, वुड्स फिटिक रिएक्शन। हमारा मेन प्रोडक्ट तो यही है, मेन प्रोडक्ट तो हमारा यही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वुड्स रिएक्शन, सॉरी वुड्स फिटिक रिएक्शन। बी और सी जो हमारे जो प्रोडक्ट है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन के अंदर, इसलिए हम उस पर ध्यान देते नहीं है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में टॉलिन, इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में 1 फिनाइल इथेन, और साइड प्रोडक्ट होगा नीचे वाले का 2NaBr, ऊपर वाले का 2NaCl। दिस इज क्या, वुड्स फिटिक रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। आपने अभी पढ़ा कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, क्या बनाया जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेंस कराया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज बी वाले में, बी वाले प्रोडक्ट में यहां बन रहा था, सी वाले में यहां बन रहा था नेगेटिव चार्ज, और डी वाले में मेरा बन रहा था यहां पे, डी वाले में यहां बन रहा था। मतलब कहने का है कि जब हमने हेलोएरीन मतलब क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हमारी आ रही थी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा,
दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और वो कौन सी पोजीशन से करेगा, ऑर्थो और पैरा से, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही हमारा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी। क्लियर? इसके अंदर चार रिएक्शन है, आपने पढ़ी होंगी 11th क्लास के अंदर। एक है हैलोजिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एसाइलेशन। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एसाइलेशन, ये पांचों रिएक्शंस आपको पढ़नी है इसके अंदर। देखिए पहला है आपका हैलोजिनेशन, इस पेज पे पहला है आपका हैलोजिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन। करना किस पे है जी? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पे जब आप हैलोजिनेशन कर रहे हैं तो डालते हैं क्या? Cl2। क्या डालते हैं? Cl2। Cl2 को अच्छे तरीके से लिख देता हूं, ये Cl, ये Cl, साथ में डालते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, और जो AlCl3 है ये काम करता है एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको बताइए कैटलिस्ट क्या होते हैं? एक ऐसी चीज को हम कैटलिस्ट बोलते हैं जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है या घटाता है, बढ़ाता और घटाता दोनों है। कौन? कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करता है और नेगेटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करता है। तो यहाँ पे जो ये AlCl3 है ये है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को ये एनहेंस करेगा। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे ये पोजीशन से निकलेगा H, या फिर इस पोजीशन से, या फिर इस पोजीशन से। क्लियर? ये वाली या फिर ये वाली दोनों ही ऑर्थो है आपकी, तो कहीं से भी निकाल दीजिए, लेकिन ये वाली पैरा से तो निकलेगा ही, लेकिन दोनों के अलग अलग कंपाउंड बनेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहां पे भी H है। H तो हर जगह ही है, पांचों कार्बन पे H है, लेकिन H ये वाला या फिर ये वाला निकलेगा, क्योंकि हमने देखा क्लोरोबेंजीन में आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो मेटा से तो निकलेगा ही नहीं, कहां से निकलेगा? ऑर्थो, ऑर्थो से निकलेगा या फिर आपका निकलेगा पैरा से। तो हम निकाल देते हैं पहला किससे, आपका निकाल देते हैं इस ऑर्थो से। तो ये सपोज एक सीएल के रूप में निकल गया, पॉसिबिलिटीज है, तो Cl कहां लग गया भाई? यहां लग गया। दूसरा, ये वाला Cl यहां से ना निकल के, सॉरी ये वाला H यहां से ना निकल के, ये वाला Cl इस वाले H को निकाल देता, तो हमारा दूसरा बन जाता ये, इसका नाम होगा 1.2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है 1.4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन दोनों में स्टेबल कौन है? दोनों में स्टेबल ये वाला जो है आपका माइनर बनेगा, माइनर मतलब कम क्वांटिटी में बनेगा, ये वाला बनेगा ज्यादा क्वांटिटी में, और जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है वही होता है क्या? स्टेबल। और ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको 20 से काटो, देखो 20 से काटो, 20 से काटो तो इसके दो अलग अलग हिस्से बन जा रहे हैं और बिल्कुल इक्वल हाफ, मतलब कहने का है कि जो ये वाला कंपाउंड है जो आपका पैरा वाला बन रहा है, पैरा कंपाउंड जो है, पैरा कंपाउंड आपका क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है जी? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, इसीलिए ये बना मेजर पे। और इसको काटिए बीच से, देखिए ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग, तो ये है क्या? अनसिमेट्रिक है, इसलिए ये क्या है? माइनर है। तो मेजर जो आपका बनता है वही बनता है जो आपका स्टेबल होता है या फिर जो ज्यादा सिमेट्रिक होता है। क्लियर? हैलोजिनेशन में आपका सीएल लगा, कौन सी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन वाला हमेशा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वो होगा सिमेट्रिक। उसको काटेंगे, देखिए 20 से काटा इसको, तो दो अलग अलग बिल्कुल इक्वल हिस्से मिल गए, टू इक्वल हाफ्स मिल गए, इसलिए पैरा कंपाउंड आर सिमेट्रिक एंड स्टेबल एंड मेजर कंपाउंड। नाम है इसका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब आते हैं नाइट्रेशन पे, देखिए क्लोरोबेंजीन में अगर आप डालते हैं डाइल्यूट HNO3, तो इसमें से निकलता है आपका NO2, और NO2 दो कंपाउंड पे, दो जगह लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे, मतलब ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तो है ही, एक मेजर बनेगा, एक माइनर, एक लगा आपका NO2 यहां पे, दूसरे में लगा यहां पे। अब बताइए ये ज्यादा सिमेट्रिक है कि ये ज्यादा सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक ज्यादा ये है, तो ये बनेगा आपका मेजर, क्या बनेगा? मेजर, और ये बनेगा आपका माइनर, माइनर कंपाउंड। इसका नाम होगा 1-क्लोरो-4-नाइट्रो, 1-क्लोरो-4-नाइट्रो बेंजीन।
बेंजीन, क्लियर। तो ये हैलोजिनेशन है, ये नाइट्रेशन है। अब बढ़ते हैं सल्फोनेशन पे, देखिए ये सल्फोनेशन है, इस पेज पे सल्फोनेशन और है एल्काइलेशन फ्रिडलक्राफ्ट की। देखिए क्लोरोबेंजीन है इसमें, सेम डिट्टो ऐसे ही होगा, इसमें जो लगेगा वो निकलेगा SO3H लगता है, जैसे नाइट्रेशन में NO2 लगा था, हैलोजिनेशन में Cl लगा, इसमें जो लगेगा वो लगेगा SO3H। इसमें डालते हैं एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, दो पोजीशन पे लगेगा, एक लगेगा इस पोजीशन पे, एक लगेगा इस पोजीशन पे, ये बनेगा आपका माइनर, ये बनेगा आपका मेजर। और मेजर क्यों है, ये रीजन सिमेट्रिक है, क्या है जी, ये सिमेट्रिक इन नेचर में, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा नेचर में, इसीलिए क्लियर। इसमें देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसमें डलता है CH3Cl, इसमें जो ऐड होगा वो होगा CH3 ऐड होगा, या फिर इसमें ऐड होगा CH3CH2 ऐड होगा, या फिर इसमें ऐड होगा, मतलब कार्बन की चेन ऐड होती है, कार्बन की चेन ऐड होती है, लेकिन इसमें बस ऐड कराऊंगा यही वाला, आप ये भी करा सकते हैं। देखिए ये वाला अटैक करा है तो ये वाला अटैक करेगा, CH3Cl है ना, तो Cl के साथ जो लगाएगा वो उस पर अटैक कर जाएगा, साथ में कैटलिस्ट डालना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3, कहां कहां लगेंगे जी, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे क्यों लग रहे हैं, रीजन क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस, क्लियर। ये बन गया आपका मेजर कंपाउंड, मेजर रीजन सेम हेयर या सेम एज अबव, सिमेट्रिक नेचर है। ये होगा आपका माइनर क्योंकि ये है लेस सिमेट्रिक, ये है लेस सिमेट्रिक, क्लियर। ये सल्फोनेशन है, ये आपका फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए ये इसकी लास्ट रिएक्शन है। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें अटैक कराते हैं CH3COCl एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, ये भी सेम है आपका कैटलिस्ट है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। तो इसमें जो अटैक करेगा वो क्या अटैक करेगा, ये वाला पोर्शन, और कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे, रीजन आपको पता ही है, रीजन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। This is major, minor. अच्छा एक चीज है, इसका अगर नाम देखें, अगर मैं इस वाले कंपाउंड को पूरा छुपा लूं, इस वाले को छुपा लूं पूरा, तो ये जो बचा वो क्या बचा आपका, क्लोरोबेंजीन। अगर इसको छुपा लूं तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन में आपको दिख रहा है एक कीटोन ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन प्रेफरेंस देंगे इसको। तो ये कौन से कार्बन पे, ये कार्बन होगा पहला, ये कार्बन हो जाएगा दूसरा, तो क्लोरीन कौन से पे लगा है, दूसरे पे, तो ये हो जाएगा 2-chloro, नाम है इसका पूरा, इसको हटा देंगे तो ये एसिटोफिनोन है, तो 2-chloro एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन। इसमें ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पे लगा आपका, तो ये हो जाएगा 4-chloro एसिटोफिनोन। एक और रिएक्शन करते हैं, देखिए इसी जो अभी यहां पे मैं ये यूज कर रहा हूं ना CH3, अब मैं यहां पे इसकी जगह CH3 की जगह डालता हूं बेंजीन ग्रुप, ये देखिए एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, सेम कैटलिस्ट है भाई, इसमें क्या अटैक करेगा, ये वाला पोर्शन, Cl को अटैक, जो बचा वो अटैक कर जाएगा, तो ये बचा Cl, क्लोरोबेंजीन, ये रहा आपका, एक लगेगा इस जगह पे, दूसरा
ये आपका कंपाउंड। ठीक है, जैसे उस वाले सीएल को हटाया हमने तो ये एसिटोफिनोन था, सेम है, इसको हटाएंगे तो इसका नाम है बेंजोफिनोन। तो इसके रेस्पेक्ट में ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, तो 2-क्लोरोबेंजोफिनोन, ये हो जाएगा 4-क्लोरोबेंजोफिनोन। दिस इज 2-क्लोरोबेंजोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरोबेंजोफिनोन। ये वाला होगा आपका मेजर क्योंकि ये है सिमेट्रिक, ये होगा आपका माइनर क्योंकि है लेस सिमेट्रिक। ये पूरी की पूरी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन थी। अगर इस पे कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका अच्छे से आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। तब तक के लिए टेक केयर।